खबर हरपन न्यूज, आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। तहसील विजयपुर की ग्राम पंचायत विचपुरी में जनकल्याण कुशवाहा महासभा समिति के तत्वाधान में सावित्री बाई फूले की 191वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में कुशवाहा समाज विजयपुर ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा। साथ ही सैकड़ों की संख्या में रंग बिरंगे फूलों के पौधे विजयपुर में निकाली फोर लाइन के बीच डिवाइडर में पौधों को लगाया गया। साथ ही संकल्प लेकर पौधों की देखभाल की शपथ भी ली गई। इसी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कांग्रेस के विधायक वेजनाथ कुशवाहा ने लोगों को जागृत करते हुए शिक्षा की ओर समाज को अग्रसार किया। साथ ही वक्ताओं ने समाज को आगे बढ़ने व शिक्षित होने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान सावित्री बाई फूले के जीवन पर प्रकाश डाला गया और समाज के उत्थान को उनके द्वारा किए गए आंदोलन व सहयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार भी रखे। सबकी सेवाएं करेंगे, लेकिन दुनिया की धरती में एक ही उदाहरण है जिन्होंने प्रतिज्ञा की कम शादी करने के बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक ही उदाहरण है दुनिया की धरती में, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि असली महात्मा जब किसी की शादी हो जाती है, बहू घर आ जाती है, और जब दो तीन चार निकल जाते हैं, बहू पे कोई बेटा नहीं होता है, तो पूरा घर परेशान हो जाता है। सास परेशान, ससुर परेशान, ननद परेशान, देवर परेशान, जेठ परेशान, जिठानी परेशान, रिश्तेदार परेशान, पड़ोसी परेशान, गांव परेशान, सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि बहू के कोई बेटा नहीं है। और एक महात्मा जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम शादी करेंगे, बताओ इस और कोई उदाहरण हो सकता है? उन्होंने कहा कि इस देश की सारी जनता हमारी है, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दादा हैं, सब हमारे हैं, हम इनके लिए संघर्ष करेंगे। कहा संघर्ष, क्या संघर्ष करना चाहते थे वो? मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, उस समय पर हम सब की शिक्षा पर पाबंदी लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि दुनिया की धरती में कोई भी महात्मा, कोई भी संत इसमें भला नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति तीनों में से नहीं हो भला नहीं कर सकता है। आप कितना करना भला नहीं हो सकता है, इतना बड़ा